जाएगा तो भोजपुर इंडस्ट्री को फायदा होगा। आ चुका है, नहीं वो चौपाल तो आ गया है, चौपाल आया है, उससे पक्का फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि उसको भी काफी सारे प्रोड्यूसर अभी उधर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ भोजपुरी के अभी एक्टिव हो चुके हैं सब लोग और बहुत फोकस कर रहे हैं। बात चल रही है, बट जब तक मुझे कहानी पसंद नहीं आएगी, स्टोरी पसंद नहीं, कंटेंट पसंद नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आज तक पिक्चर भी अपनी चॉइस से की है। और मैं अगर वेब सीरीज़ के ऑफर मुझे बहुत आते हैं, हिंदी से भी आते हैं, बट मुझे वही करना है जो जैसे मैंने बोला कि मुझे अच्छा क्लीन अच्छा वर्क करना है। नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सैटेलाइट आने के बाद से कंटेंट की चीज़ें बदली हैं, अच्छे अच्छे नाम फिल्मों में रखे जा रहे हैं, लेकिन फिल्मों के नाम तो नो डाउट अच्छे रखे जाते हैं, कहानी भी बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी पारिवारिक। आपने अभी तक कितनी पिक्चरें देखी है भोजपुरी? 100 से ज़्यादा देखी। हाँ तो और जो अभी जो चैनल्स पे आ रहे हैं वो आपने कितनी पिक्चरें देखी? आप तो बताइए आप कैसी बन रही है। नहीं फिल्में तो लेकिन परिवार के साथ बैठ के आराम से परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं कि चैनल वही पिक्चर पास करता है जो अच्छी पिक्चर हो, जो अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, अदरवाइज वो कट कर देते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई परिवार के साथ सैटेलाइट अच्छा पैसा दे रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये क्यों है कि कुछ हीरो लोग ही तय कर ले रहे हैं कि हमारी हीरोइन यही होगी, ऊपर के चार पांच कास्ट भी वही तय कर ले रहे हैं, और फिर वो गलत बात है, उससे बाहर आए प्लीज़। हमारे जितने भी हीरो हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं वो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आए। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप लोग सोचते नहीं हैं, आप लोग किस एक्टर के साथ में क्या कर रहे हैं वो आप लोग खुद फील करते नहीं है, बट जिस आर्टिस्ट के साथ ये हरकतें होती हैं, इनको हटाया जाता है पिक्चरों से, उनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है। तो ये हरकतें आप करना बंद कीजिए, जिसका जो अधिकार है या जो जिस रोल के लिए फिट है आप उनको काम करने दीजिए। सुबह जी आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पर आप काम करना कर रही हैं या करना चाहती हैं, जिस तरह के रोल सभी कुछ शेयर करना चाहें? देखिए अभी मैंने रोल तो मैंने बहुत सारे किए हैं, एंड नहीं अभी अभी जो अभी जो जी पहले तो मैं जिस पिक्चर की शूटिंग कर रही हूँ ना, उस पिक्चर में मैं सिंदूरदान की शूटिंग कर रही हूँ। एक फैमिलियर पिक्चर है, इसमें जो हीरो हैं मेरे अपोजिट गौरव झा हैं और जो इसमें एक और एक्ट्रेस हैं ऋतु सिंह जी हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी जो हम लोग शूट कर रहे हैं, वो रामा जी इसके प्रोड्यूसर हैं, राजू जी इसके डायरेक्टर हैं, और ये माहौल पूरा इन्वायरमेंट फैमिलियर है, काफ़ी अच्छा शूटिंग चल रहा है। ये पिक्चर मैं कर रही हूँ, इत्तेफाक मेरी पिक्चर आ रही है, पीछे पिक्चर मेरी और आ रही है, वो भी सभी बैक टू बैक रिलीज होगी। एल्बम में आपके सारी या पवनी के साथ किसके साथ करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल दो ही सिंगर लोग का नाम है, हर हीरोइन लोग उनके साथ आ रही हैं और उससे स्टार बन जा रही हैं, कह रही हैं कि हम लोग नंबर पे आ गए। स्टार तो हम हैं ही, बाकी हाँ इनमें से अगर किसी के साथ भी ऑफर आएगा तो मुझे दोनों में से किसी के साथ भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। पवन जी के साथ ऑफर आता तो मैं उनके साथ भी काम करना चाहूँगी, खेसारी जी के साथ अगर आएगा ऑफर तो उनके साथ भी, बट शर्त एक ही होगी कि गाना अच्छा। तो ये थी शुभी शर्मा जी, जिन्होंने अब बिवाकी से अपनी बातें रखी और बिल्कुल सही कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर बदलना है ना, तो फिर हर इंसान को, हर किरदार को, और खास करके चूंकि एक्टर्स ओरिएंटेड ये सिनेमा है तो एक्टर लोग जो है उसको बदलें और चीज़ों को बेहतर करें, तो फिर भोजपुरी सिनेमा एक अच्छे दौर में जाएगी। नमस्कार, और देखते रहिए इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है आपको सिर्फ यहीं भोजपुरी वाले भैया के चैनल पर मिलेगा। तो प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।